नमस्ते छात्राओं, आज हम बात करने वाले हैं वर्गीकृत प्राप्तांकों में मध्यांक की गणना के बारे में, कैलकुलेटिंग मीडियन इन ग्रुप डेटा। इसके पहले भी बात की है कि प्रदत्त में जब इस प्रकार से खुले प्राप्तांक होते हैं तो हम उन्हें अवर्गीकृत प्राप्तांक कहते हैं, और आवृत्ति वितरण के बाद जब वह वर्गांतर और वारंवारिता में इस प्रकार से विभाजित हो जाते हैं तो हम इन्हें वर्गीकृत प्राप्तांक कहते हैं। अब हम देखेंगे प्राप्तांक में मध्यांक की गणना कैसे करते हैं। मध्यांक की गणना के लिए निम्न सूत्र उपयोग में लाया जाता है। मध्यांक अर्थात लोअर लिमिट प्लस एन बाय टू माइनस क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी अपॉन एफ इंटू आई। इस सूत्र को देखें तो कुछ मूलभूत संज्ञाओं के मूल्य की हमें आवश्यकता होगी मध्यांक के गणना के लिए। पहली हमें आवश्यकता होगी L के मूल्य को खोज निकालने की, उसके पश्चात n बाय टू का मूल्य हमें खोजना है, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी का मूल्य हमें देखना होगा, उसी प्रकार से फ्रीक्वेंसी f और साथ i। अब इन महत्वपूर्ण संज्ञाओं के अर्थ परिभाषा समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले देखेंगे n बाय टू। n होता है सभी प्राप्तांकों की कुल संख्या, तो कुल प्राप्तांकों का आधा हिस्सा होगा n बाय टू। अर्थात अगर n की संख्या 40 है तो 40 बटा 2 अर्थात 40 डिवाइडेड बाय 2, तो n बाय 2 की संख्या हो जाएगी 20। इस प्रकार से आगे हम देखेंगे क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। वारंवारिता और वर्गांतर ऐसे दो कॉलम जहां गणित में उपलब्ध होंगे, उसके आगे हमें एक कॉलम बढ़ाना है जिसे हम क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी नाम देंगे। अब ये क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी क्या है? हर वर्गांतर के निचली वारंवारिता को ऊपर वाले वर्गांतर की वारंवारिता में जोड़कर निकाला हुआ जोड़ अर्थात क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी की संख्या निकालने के लिए हम वारंवारिताओं को नीचे से ऊपर जोड़ते जाएंगे। ध्यान रखें, वारंवारिताओं को जोड़ते हुए जब हम एन बाय टू की संख्या तक पहुंच जाएंगे या उससे आगे निकल जाएंगे, वहां उस वर्गांतर को हमें पहचानना है और मार्क लगाना है, क्योंकि इसी वर्गांतर से ही हम वर्गांतर में ही मध्यांक आएगा ऐसा हम मान चलेंगे, और इसी वर्गांतर से संबंधित आगे के मूल्य हमें निश्चित करने हैं। इसके आगे हमें देखना है लोअर लिमिट क्या है। जिस वर्गांतर में मध्यांक है ऐसा हम मान रहे हैं, उस वर्गांतर की जो निचली सीमा होगी वह हमारी लोअर लिमिट हो जाएगी। इसके पश्चात फ्रीक्वेंसी वह उस मूल्य होगा जिस वर्गांतर में मध्यांक है ऐसा हमने माना है, उस वर्गांतर की वारंवारिता। और अंत में हमें मूल्य जरूरी होगा आय अर्थात वर्गांतर का अंतर या लंबाई, जो कि आप वर्गांतर में अंतर कितना है उसकी गणना करके निश्चित कर सकते हैं। देखेंगे इनकी गणना कैसे करनी है, स्टेप बाय स्टेप इस मध्यांक की विधि की आपको हम समझेंगे। इस प्रकार से वर्गांतर और वारंवारिता, यह दो कॉलम जिसमें कुछ डेटा आपको दिया गया है, इस प्रकार से गणित आपको उपलब्ध रहेगा। अब हमें क्या करना है, अगले कॉलम को हमें CUMF अर्थात क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी यह नाम देना है, और वारंवारिताओं को नीचे से ऊपर जोड़ते जाना है। जहां तक n बाय 2 की संख्या आती है ऐसे वर्गांतर को हमें पहचान कर चिन्ह लगाना है, और इसी वर्गांतर में मध्यांक आएगा ऐसा हम मानकर चलेंगे। अब देखिए ये कॉलम, जैसा कि आप देख सकते हैं, हमने पहले ही बढ़ा लिया है। अब इसे हमें नाम देना है क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी अर्थात F, CUMF। सबसे निचले वर्गांतर की जो वारंवारिता है 4, उसे हम इस कॉलम में इसी प्रकार से लेंगे। उसके पश्चात इस 4 संख्या को हम दूसरे नंबर के वर्गांतर की वारंवारिता जो कि है 3, उसके साथ जोड़ लेंगे। 4 और 3 इनका जोड़ बनेगा 7। 7 इस क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी को हम उसके ऊपर के वर्गांतर के वारंवारिता के साथ जोड़ेंगे अर्थात 7 और 5 इनका जोड़ बन जाएगा 12। 12 को हम जोड़ेंगे उसके ऊपर के वर्गांतर की वारंवारिता में अर्थात 12 और 9, यह जोड़ आएगा 21। 21 संख्या को हम जोड़ेंगे ऊपर के वर्गांतर के वारंवारिता जो कि है 8 उसके साथ, तो 21 और 8 का जोड़ आ जाएगा 29। और 29 को जोड़ेंगे हम आखिरी वर्गांतर की जो वारंवारिता है ऊपर में,
एक इसके साथ जिसका जोड़ बनेगा 30। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी सबसे आखिर की वर्गांतर में जो भी संख्या आएगी वही संख्या आपकी n की होगी। अगर आपको ध्यान रखना है कि आपका क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी की गणना ठीक से हुई है या नहीं, तो ध्यान रखें कि हमारी n का जो मूल्य होगा वही हमारी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी की आखिरी की ऊपर की रो में आना चाहिए। अब जैसा कि हम देख सकते हैं हमारा जो n है वो है 30, तो n बाय 2 का मूल्य अगर निकालने की कोशिश करते हैं तो 30 बटा 2 इस प्रकार से अगर हम करते हैं तो n बाय 2 का मूल्य आ जाता है 15। अब हमें देखना है कि क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में वह कौन सी संख्या या कौन सा वर्गांतर है जहां तक हम इस 15 जो कि n बाय 2 का मूल्य है उसके आगे चले जाते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं 4, 7, 12, 21। 21 यह जो मूल्य है क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी का, अर्थात 85 से 89 तक का जो वर्गांतर है यहाँ हम n बाय 2 के मूल्य जो कि 15 है उससे आगे निकल आए हैं। अब यह जो वर्गांतर है 85 टू 89, इस पूरे रो को, इस वर्गांतर को हमें चिन्हांकित करना होगा क्योंकि इसी वर्गांतर में हमारे मध्यांक के अन्य मूल्य हमें खोजने हैं। चलते हैं, जैसा कि आप देख सकते हैं 85 टू 89 के वर्गांतर को हमने चिन्हांकित कर लिया है। अब हम खोजेंगे अगले मूल्य। जैसे कि सबसे पहले हमें आवश्यकता होगी n बाय 2, तो हमारे पास है ही क्योंकि इसे पहले ही हमने इसकी गणना कर ली है। इसके आगे हमें आवश्यकता होगी लोअर लिमिट। लोअर लिमिट 84.5। कैसे? जिस वर्गांतर को हमने मार्क किया है, चिन्हांकित किया है, वह वर्गांतर कौन सी संख्या से शुरू हो रहा है? वह वर्गांतर शुरू हो रहा है 85 से। यह वर्गांतर की जो पहली संख्या है उसकी निचली सीमा हमें निकालनी है। निचली सीमा अर्थात लोअर लिमिट निकालने के लिए आप इस संख्या से 0.5 पीछे जाएंगे। जैसे कि 85 85 के पहले आता है 84, तो 85 में अगर आप 0.5 उससे घटा देते हैं तो उत्तर आता है 84.5। इसी प्रकार से हमें लोअर लिमिट निश्चित करनी है। उसके बाद हम आते हैं फ्रीक्वेंसी पर, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी पर। ध्यान रखें कि जिस वर्गांतर को हमने चिन्हांकित किया है वह वर्गांतर छोड़कर उसके नीचे के वर्गांतर के सामने जो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी की संख्या होगी वो हमें यहाँ लिखनी है जो कि है 12। तो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी का मूल्य निश्चित हो गया जो कि है 12। इसके आगे है एफ। फ्रीक्वेंसी से तात्पर्य है जिस वर्गांतर को हमें चिन्हांकित किया है उसकी वारंवारिता, इसलिए वह निश्चित हो गई 9। और अंत में हमें मूल्य की आवश्यकता पड़ती है आय, जो कि है वर्गांतर का अंतर या लंबाई। और यहाँ आप देख सकते हैं वर्गांतर 70 से 74, 70 to 74 इस दरमियान है, अर्थात 70, 71, 72, 73, 74 यह 5 के अंतर का वर्गांतर दिखाई दे रहा है, इसलिए आय का मूल्य हो गया 5। इस प्रकार से मध्यांक की गणना के सूत्र में लगने वाले सभी मूल्यों की संख्याएं हमें पता है, n बाय 2, लोअर लिमिट, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, एफ और आय। इन सभी संख्याओं को अगर हम सूत्र में रखते हैं और गणना करते हैं तो मध्यांक का मूल्य निश्चित कर सकते हैं। मध्यांक लोअर लिमिट प्लस n बाय 2 माइनस क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी अपॉन f इंटू आई। अब इस मूल्य में जहां जहां जो जो मूल्य है, संख्याएं हैं, उन्हें रखते हैं। मध्यांक अर्थात लोअर लिमिट 84.5 प्लस n बाय 2 का मूल्य है 15 माइनस क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी 12 अपॉन f जो कि है 9 मल्टीप्लाइड बाय i दैट इज 5। 5 से इन्हें गुना करना है। आगे चलते हैं 84.5 प्लस 15 में अगर 12 को हम घटा देते हैं तो उत्तर आएगा 3, 3 डिवाइडेड बाय 9 इंटू 5। इसके आगे स्टेप में आएगा 84.5 प्लस 3 को अगर 9 से हम डिवाइड करते हैं उत्तर आता है 0.33 अर्थात 0.33 मल्टीप्लाइड बाय 5। इससे भी आगे बढ़ते हैं 84.5। अब यहाँ जो गुणाकार है, यहाँ जोड़ भी करना है और गुणाकार भी करना है, तो पहले हम गुणाकार करेंगे। 0.33 को 5 से मल्टीप्लाई गुणा करने से उत्तर आता है 1.65। और जब हम इसे 84.5 में जोड़ देते हैं तो अंतिम मध्यांक का जो उत्तर है वो आएगा
86.15। तो इस प्रकार से मध्यांक का मूल्य हम निश्चित कर सकते हैं। इस विधि द्वारा मध्यांक की वर्गीकृत प्राप्तांकों में गणना होती है। धन्यवाद।